नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएनआर न्यूज भारत में। मैं हूं आपका दोस्त पत्रकार नितिन मणियार। दोस्तों, जैसे कि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे, ईशान्य मुंबई में लोकसभा इलेक्शन में प्रचार में क्या क्या चल रहा है, तो एक चीज हमको देखने मिली, मिहिर कोटेजा जी मानखुर्द में जो प्रचार करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि मानखुर्द में उनका जब प्रचार पहले चल रहा था तब संजय दीना पाटिल के कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला किया। वो हमलावर को तुरंत पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने इंक्वायरी भी की और दोस्तों बहुत बड़ी खबर उसमें से निकल के आई है। मिहिर कोटेजा कितना झूठ बोलते हैं ये आपको इसमें से पता चलेगा। पुलिस ने जब वो आदमी से पूछताछ की कि भाई तुमने क्यों ये पत्थर मारा, किसने तुमको बोला पत्थर मारने के लिए, तो दोस्तों वो आदमी एक गर्दुल्ला था, ऐसा पुलिस बता रही है, मुंबई पुलिस बता रही है। और उसने पत्थर नहीं फेंका था, उसने एक भाजी का टुकड़ा फेंका था और वो भी उसने पुलिस के पास ये कबूल किया है कि उसको तो किसी ने आके पैसा दिया, ऐसा करो बोला। और फिर सूत्रों से यह भी पता चला कि वो गर्दुले को पैसा देने वाला मिहिर कोटेजा जी का आदमी था। तो मिहिर कोटेजा जी ऐसी ओछी हरकत कर रहे हैं, खुद पे हमला करवाते हैं, यानी खुद पे पत्थर की जगह ये बाजी फेंकवाते हैं और कहते हैं कि पत्थर फेंका और हमारे कार्यकर्ता को लगा और दावा करते हैं कि संजय दीना पाटिल के आदमी लोगों ने ऐसा किया। और आप सुनिए मिहिर कोटेचा जी किस अभद्र भाषा में ये बात कर रहे हैं। काल मानखुर्द मधून माझी प्रचार रैली सुरू असताना संजय पाटलांचा टोपीवाल्या गुंड्यांनी माझ्यावरती मला इजा पोहोचवण्याच्या उद्देशाने परत एकदा दगडफेक केली। तो देखा लोगों, ये भाषा एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार लोक प्रतिनिधि की ये भाषा नहीं हो सकती है। मिहिर कोटेजा जी जानते हैं कि ये इलेक्शन उनके लिए बहुत टफ है, वो हार सकते हैं, इसीलिए बहुत बहुत ओछी हरकतें कर रहे हैं। दूसरे वीडियो में एक और घटना आपको दिखाएंगे घाटकोपर की। तब तक के लिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, आपके दोस्तों में फैमिली में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।